नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षण सत्र में स्वागत है। आज हमारे बीच वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के स्कूल ऑफ एजुकेशन के सहायक आचार्य डॉक्टर पतंजलि मिश्रा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अभिप्रेरण एवं अनुशासन हेतु कक्षा कक्ष प्रबंध। सबसे पहले हम अपने शिक्षार्थियों के माध्यम से यह जानना चाहेंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंध क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाया है कि कक्षा कक्ष प्रबंध है क्या। हालांकि कक्षा कक्ष प्रबंध जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता होगा, लेकिन इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे कि कक्षा कक्ष प्रबंध जो है एक तरीके का यह इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन है, जिसे हम प्रभावी अनुशासन भी कहते हैं। और कक्षा कक्ष प्रबंध जो है किसी भी कक्षा की शुरुआत में, किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत में एक बहुत आवश्यक तत्व है, और यह कक्षा की तैयारी का मुख्य चरण है। यह बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका। साथ साथ यह विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करता है कि विद्यार्थी जो है अपने जीवन में, क्लासरूम में, लर्निंग के दौरान बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख समझ और जान सकें। साथ ही साथ कक्षा कक्ष प्रबंध जो है एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक अधिगम वातावरण तैयार करता है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके दौरान विद्यार्थी जो है वो बहुत ही आरामदायक, सुविधाजनक और आसानी के साथ अपने लर्निंग को, अपने अधिगम को अंजाम दे सकता है। साथ ही साथ इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, यदि कक्षा में बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंध है तो यह विद्यार्थियों के आत्मसम्मान का तो निर्माण करता ही करता है। यह दैनिक अध्यापन में रचनाशीलता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और कल्पनाशीलता, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, लाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि यह अन्य लोगों के लिए अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए, ये सारे जो तत्व बताएं, वो किसी भी कक्षा कक्ष प्रबंध के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक प्रारंभिक शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंध क्यों आवश्यक है। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो इस चीज़ को समझें कि कक्षा कक्ष प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है शिक्षण शैली को प्रभावी बनाना। यदि बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंध होता है तो अध्यापक की जो शिक्षण शैली होती है उसमें स्वाभाविक निखार आ जाता है, स्वाभाविक रूप से वह बेहतर बन जाता है। साथ ही साथ कक्षा कक्ष प्रबंध जो है वह व्यक्तित्व और अभिवृत्ति को ध्यान में रखता है। इसमें विशेष बात जो है वो यह ध्यान देने की है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु भी शिक्षक को कक्षा कक्ष प्रबंधन करना जरूरी होता है। यदि 10 विद्यार्थियों की कक्षा है और 30 विद्यार्थियों की कक्षा है तो कक्षा कक्ष प्रबंध के तरीके में, कक्षा कक्ष प्रबंध के मैनेजमेंट में एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग तौर तरीका देखने को मिलता है। इसमें अगली जो बात महत्वपूर्ण बात है वह है कि इसमें सभी प्रबंधन रणनीतियां जो हैं प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रभावी नहीं होती है। साथ में यदि बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंध शिक्षक करता है तो वह रणनीतियों में बदलाव के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के परिवर्तन को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करता है और उसको कायदे से बेहतर तरीके से मोल्ड करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यदि बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंध है तो शिक्षक जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से, और उसको टीचिंग एन्जॉयमेंट, जिसे कहते हैं, जिसे हम आनंदमय शिक्षण कहते हैं, उसका भी अनुभव होता है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण सीखना ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वो विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट कर सके और विद्यार्थियों को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा पाने में सक्षम हो पाए। तो निश्चित रूप से ये हमारे जो प्रारंभिक शिक्षक हैं, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। निर्धारित समय में विषय वस्तु को और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संपादित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक सफल कक्षा कक्ष प्रबंध के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखी जानी चाहिए,
कौन कौन से सिद्धांत इसके लिए सुझाए गए हैं? सबसे पहली बात जो है वो है कि विघटनकारी व्यवहार के साथ निपटने की युक्तियों का यथासंभव उपयोग करना सफल कक्ष प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह बात भी ध्यान में रखनी होती है कि गैर विघटनकारी व्यवहार को कम करने का भी प्रबंधन करना इसमें ज़रूरी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करना एवं व्यवस्थित कैसे करना है वह उन्हें ठीक तरीके से सिखाया जाए। होता क्या है सामान्यतया हमारी कक्ष परिस्थितियों में कि अध्यापक ही सारी चीज़ों को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन एक बेहतर कक्ष प्रबंध वो होता है जिसमें कि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने व्यवहार को ठीक तरीके से नियंत्रित एवं व्यवस्थित करें। साथ साथ हम ये बात ठीक तरीके से हमें जानना चाहिए कि छात्र उन कामों को सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो शिक्षक के द्वारा उनके लिए चयन किए गए होते हैं। शिक्षक जब कोई काम विद्यार्थियों को बताता है तो विद्यार्थी बड़े उत्साह से और बड़े ध्यान से उन बातों को सीखता है, इसलिए इन सब बातों को बहुत ही नेचुरली विद्यार्थियों को बताना चाहिए और बहुत ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से उन्हें इस चीज़ के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वो अपने आप को ठीक तरीके से कक्ष परिस्थितियों में नियंत्रित कर सके और व्यवस्थित कर सके। बेहतर कक्षा नियंत्रण की प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं, अब हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें। बेहतर कक्षा की नियंत्रण प्रविधियाँ कई हैं, एक एक करके एक एक प्रवृत्ति की हम लोग सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कक्ष की परिस्थितियों में समस्त कक्षा पर शिक्षक को चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि वह एक साथ ध्यान केंद्रित करे, और इस ध्यान को केंद्रित करने का लाभ यह होता है कि कई बार कक्ष में क्या होता है कि अध्यापक जो है अगली पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, पीछे बैठने वाले विद्यार्थियों पे उसका ध्यान नहीं जा पाता है। तो यह प्रयास करना चाहिए अध्यापक को कि वो इस एंगल पे रहे कि वो पूरी की पूरी कक्षा को एक साथ देख सके कि कौन विद्यार्थी क्या कर रहा है, और जितना ध्यान आगे की पंक्तियों में बैठे विद्यार्थियों पर वो देता है उतना ही ध्यान आवश्यक है कि वो पीछे के बैठे विद्यार्थियों पर भी दें। दाएं के विद्यार्थियों पर जितना ध्यान देता है उतना बाएं बैठे विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो प्रविधि है वो ये है कि हर कक्षा में कुछ कम बोलने वाले और कुछ वाचाल विद्यार्थी दोनों होते हैं, तो यह शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि जो अत्यधिक वाचाल विद्यार्थी हैं उससे अधिक बातचीत ना करें, उससे सामान्य बातचीत के द्वारा ही उसे हैंडल करें। और इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कई बार पॉज या मौन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि शिक्षक जो है वो बिल्कुल नरम आवाज़ का उपयोग करे ताकि वह जो कह रहा है वह विद्यार्थियों को आसानी से सुनाई दे सके। बहुत तेज बोलना भी, बहुत जोर से बोलना भी कई बार विद्यार्थियों के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को कि वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में विद्यार्थियों को निर्देशित करे, साथ साथ अपने निर्देशों को सीधे निर्देशित करे ताकि छात्रों को, विद्यार्थियों को, छात्राओं को यह पता चले कि आखिर कक्षा में अब होने क्या जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि विद्यार्थियों की प्रगति की जांच के लिए उनके समूह की निगरानी करना, विद्यार्थी ने किसी भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में कितना अधिगम प्राप्त किया है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, यह वो उसे छोटे छोटे समूहों में बांटकर उसकी निगरानी करके देख सकता है। इसका लाभ यह होता है कि छोटे छोटे समूह में विद्यार्थी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते भी हैं और उनका आकलन करना, उनकी योग्यता का आकलन करना यह ज़्यादा सहज, सरल, आसान और सुगम हो जाता है। अगली जो बात है कि कक्ष में चारों ओर चहलकदमी करना, ये नहीं कि आप अध्यापक हैं और आप बिल्कुल सामने ही खड़े होकर यदि आप अपनी क्लासरूम की डिलीवरी कर रहे हैं तो यह ठीक तरीका नहीं माना जाता है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप कक्ष में चारों तरफ चहलकदमी करें ताकि छात्रों को, विद्यार्थियों को आप आसानी से दिखाई देते रहें और आपकी नज़र प्रत्येक छात्र पर बनी रहे कि वो आपकी कक्षा पे पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है अथवा नहीं। एक बात और आवश्यक है इसमें कि छात्रों को बार बार गैर मौखिक संकेत भी करते रहें। हर बात के लिए आवश्यक नहीं है कि आप टोके कि क्यों तुम उससे बात कर रहे हो,
क्यों तुम पीछे देख रहे हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप यदि केवल आँखों से भी इशारा करेंगे तो विद्यार्थी समझ जाता है और वो चुपचाप बैठ जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम जी, उसमें ये चीज ऐड करना चाह रहे थे जी, जी, जी। कि जो कक्षाओं में विद्यार्थी पीछे जो बैठे रहते हैं, हाँ, वो पहले देखते हैं कि शिक्षक की निगाह किधर है, हाँ, और शिक्षक की निगाह से तय करते हैं कि हम बगल वाले से बात करें या कुछ उनको शरारत सूझ रही है। हाँ, हाँ, तो जो आपने कहा कि चहलकदमी, हाँ, चहलकदमी निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है कि आप कक्षा में सामने से पीछे के विद्यार्थियों तक भी पहुंचते हैं, आप वहां देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस तरह अपनी सहभागिता रख रहे हैं। जी, तो ये बहुत ही जरूरी। और इसमें एक चीज और है कि यदि आप जब क्लासरूम में चहलकदमी करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे आप यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी की कक्षा है और अगली कक्षा गणित की कक्षा है, तो गणित के अध्यापक ने कुछ होमवर्क उसको दिया हुआ है तो वो आपकी हिंदी की कक्षा में पीछे बैठकर होमवर्क भी करने लग जाता है। तो इन सब अवांछित क्रियाओं को रोकने के लिए भी चहलकदमी एक आवश्यक चीज़ है। जी जी। और आगे जो मैं बात कह रहा था, आपने चहलकदमी पर जिज्ञासा प्रकट की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, ये हम शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी बात है कि गैर मौखिक संकेत देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आपके इशारों से ही सारी बात समझ जाता है, और विद्यार्थियों को भी बहुत यह पसंद नहीं आता कि अध्यापक हर बात में उसे टोकता ही रहे। तो आप छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप ना करें। यदि कोई विद्यार्थी कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कक्षा का एनवायरनमेंट यदि ख़राब नहीं हो रहा है, यदि वो पीछे देख रहा है, यदि वो आगे देख रहा है और उससे कोई किसी को डिस्टर्ब वो नहीं कर रहा है, तो सामान्यतः आप बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से अपने आप को बचाएं, जिससे आपके हस्तक्षेप करने की गरिमा भी बनी रहेगी। और यह भी सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष पर्याप्त आरामदायक और सुरक्षित है, यह भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसमें भी विद्यार्थी बेचैन होता है और वो पढ़ने लिखने की उसकी जो रुचि है वो कम होती रहती है। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कक्षा कक्ष नियंत्रण की तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं, हाँ, जो हमारे प्रारंभिक शिक्षकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं? हाँ, ये बहुत ही आवश्यक तत्व है, और इसमें हमें यह बात समझना होगा कि अध्यापक को अपने पाठ को कुछ इस तरीके से सुनिश्चित करते हुए उसे सुनियोजित तरीके से बनाएं कि आप अपने कालांश में शैक्षणिक क्रियाकलापों का ठीक तरीके से प्रयोग कर सकें। आप यदि 30 मिनट की कक्षा के लिए आए हैं तो आप सारी एक्टिविटीज़ को उसी 30 मिनट के अराउंड रखें, उससे यदि आप ज़्यादा या कम करेंगे तो यह सही बात है कि आप एक प्रभावी शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, तो कक्षा कक्ष में पहले से तैयारी करके आए। आप यदि पहले से तैयारी करके आते हैं तो असली हेजिटेशन कक्षा की शुरुआत में होता है। यदि आपने अच्छी शुरुआत कक्षा की कर दी तो आपकी कक्षा अपने आप डेवलप होती चली जाती है। तो यह बात ध्यान में रखें आज अध्यापक, कि हम अपनी कक्षा की तैयारी पहले से करके आएँ। और पहले से तैयारी का लाभ यह होता है कि आपके अपने शिक्षण में पर्याप्त आत्मविश्वास होता है, आप बेहतर तरीके से विद्यार्थियों से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही साथ जितना संभव हो सके उतनी जल्दी अपने विद्यार्थियों के नाम याद कर लें। विद्यार्थियों के नाम याद करने से लाभ यह होता है कि विद्यार्थी यह समझता है कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो सर हैं, वो हमको कितना मानते हैं कि उनको हमारा नाम भी याद है। तो यह एक कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो विद्यार्थियों को आपके करीब लाती है, विद्यार्थियों को आपको अपना बना देती है। और यदि विद्यार्थी जब आपका अपना बन जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे सीखता है और आपकी बातों को सुनता है और अनुशासन में भी बना रहता है। कक्षा में जो समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे शिक्षकों के लिए, समय प्रबंधन बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, अब थोड़ा इस पर हम चाहेंगे कि आप चर्चा करें। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बहुत ही कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अध्यापकों के साथ कि हम 30 मिनट की कक्षा जो है हमारी 40 मिनट की हो जाती है, जिससे अगली कक्षा प्रभावित होती है। तो एक बेहतर समय प्रबंधन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं जो बात बताना चाहूँगा वह यह है
कि दो तरीके का समय प्रबंधन होता है, दो तरीके की के समय आपको एक कक्षा कक्षा परिस्थितियों में मिलता है। एक होता है आवंटित समय और दूसरा होता है संक्रांति समय। अब यह दोनों हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आवंटित समय क्या है और संक्रांति समय क्या है। तो आवंटित समय वह समय है जो आप अपने विद्यार्थियों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान व्यतीत करते हैं, और आवंटित समय के सही उपयोग के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की मात्रा बढ़ाने के प्रयास ठीक तरीके से किए जाने चाहिए। शिक्षक जितनी सरलता और दक्षता से शैक्षणिक गतिविधियों में परिवर्तन लाएगा, विद्यार्थी उतना ही रुचि लेकर शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संक्रांति समय क्या है। संक्रांति समय वह समय होता है कि सीखने की गतिविधियों के लिए आवंटित समय के दौरान मौजूद समय अवधि जो होती है उसको संक्रांति समय कहते हैं। एक उदाहरण लें तो यह ज़्यादा समझ में आएगा। कई बार क्या है कि आपको एक उदाहरण लिया कि आपको एक स्पोर्ट्स इवेंट कराना है 40 मिनट का, तो आप 40 मिनट का आपको आवंटित समय दिया गया, लेकिन उसी 40 मिनट में आपको विद्यार्थियों को इकट्ठा भी करना है, आपको निर्देश भी देना है, साथ साथ आपको यह भी करना है कि वो समय से अपनी कक्षा में आ जाए जिससे कि अगली कक्षा प्रभावित ना हो। तो इसलिए यह ध्यान देना चाहिए हमें कि संक्रांति समय और आवंटित समय को ठीक तरीके से हम एडजस्ट करें। यदि संक्रांति समय का हमें दिमाग में ध्यान रहेगा कि हाँ हमें 5 मिनट संक्रांति समय है जिसमें कि हमें विद्यार्थियों को इकट्ठा देना है, निर्देश प्रदान करना है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर एक अप्रोच हो सकती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अध्यापक जो है इस हेतु पर्याप्त रूप से जागरूक हो। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए एक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसको थोड़ा स्पष्ट रूप से चर्चा करें जिससे हमारे प्रारंभिक शिक्षक हैं उसको समझ सकें कि उनकी सीधी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक से क्या क्या अपेक्षाएँ होती हैं बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए। तो शिक्षक से सबसे पहली जो अपेक्षा होती है, जो मैंने अपनी वार्ता में अभी तुरंत ही कहा कि एक शिक्षक को ठीक तरीके से बेहतर तरीके से जागरूक होना चाहिए। जागरूकता जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जागरूकता से तात्पर्य है कि शिक्षक द्वारा कक्षा की प्रत्येक घटित होने वाली क्रिया पर पूरी तरीके से वह अवधान दे, वह अटेंशन दे, वह ध्यान दे। और कैसे एक शिक्षक ठीक तरीके से जागरूक हो सकता है, तो उसका तरीका यह है कि जब अनुशासन की समस्याएं आती हैं तब शिक्षक लगातार उन विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार को दबाने के लिए कार्यवाही करते हैं जो समस्या पैदा करते हैं। सामान्यतया कई कक्षा कक्ष में विद्यार्थी होते हैं जो बड़े सरल, सहज और ठीक तरीके से कार्यव्यवहार करते हैं, और कुछ चंचल विद्यार्थी होते हैं, उन्हें उद्दंड कहना तो ठीक नहीं है, उन्हें चंचल विद्यार्थी होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो शिक्षक सामान्यतया क्या करता है कि उनको उनकी समस्याओं को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब दो अनुशासन समस्याएं समवर्ती चलती हैं तो शिक्षक सबसे पहले गंभीर समस्या को उसे पहले टेकअप करना चाहिए और उस गंभीर समस्या का समाधान पहले करना चाहिए और सामान्य समस्या का समाधान उसके बाद करना चाहिए। तो ये जागरूकता जो है ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि ये शिक्षक तभी यह काम कर पाएगा, अनुशासन की समस्याओं को तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, वह उन बच्चों को तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा जो कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में जो चंचल हैं, वह तभी कर पाएगा जबकि वह पर्याप्त रूप से जागरूक है इन सब चीज़ों के लिए। अगली जो बात है इसी संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा कि शिक्षक सर्वप्रथम उन कार्यों को करता है या उन कार्यों को उसे करना चाहिए जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अति आवश्यक हैं। कक्षा में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्र उस व्यवहार के बारे में अस्वीकार्य करने संबंधी क्या क्या तत्व हैं उसको सीखें और खुद अपने व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए उद्यत हो। यह काम तभी संभव है जब शिक्षक उनको ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक तरीके से क्यूरियस होकर वह उनको ऑब्जर्व करके देख रहा है कि विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी कैसा है, कौन सा विद्यार्थी क्या कह रहा है। साथ साथ शिक्षक को यह जानना चाहिए कि गुस्सा या बल का प्रयोग करना भविष्य में दुर्व्यवहार को कम नहीं करता है। यदि अध्यापक केवल डांटना या उसको मारने पीटने का काम करता है तो निश्चित रूप से यह ठीक तरीका नहीं होता है। शिक्षक को चाहिए
कि वो एक मोटिवेटर बने, वह एक अभिप्रेरक बने, वह विद्यार्थियों को बुरा ना करने के लिए, बदमाशी ना करने के लिए प्रेरित करे और साथ में सीखने की गतिविधियों में बाधा डाले बिना दुर्व्यवहार के साथ निपटने के नए तरीके खोजे। अब ये नए तरीके खोजने का काम जो है वो मूलतः अध्यापक का ही है, कि क्योंकि सारे विद्यार्थी जो है एक तरीके के नहीं होते हैं, हर विद्यार्थी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है तो हर विद्यार्थी के साथ डील करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि उसको ऑब्जर्व करके उसको पहचाने और उसके बाद उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे गाइडेंस करना है, उसको कैसे काउंसलिंग देनी है, यह बात तय करें। अगली जो इसमें बात है वह है बॉडी लैंग्वेज की, वह है सामीप्य की। सामान्यतया शिक्षक को यह करना चाहिए कि विद्यार्थियों से दृष्टि संपर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्लास में पढ़ाते वक्त आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए और बहुत सी बातों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसे हम इशारा कहते हैं, जिसे हम आंग्ल भाषा में जेस्चर कहते हैं, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करनी चाहिए और छात्रों की शारीरिक निकटता जो है इत्यादि को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि कोई बच्चा बदमाशी करता है या यदि कोई बच्चा बेहतर करता है तो यदि आप उसको शाबाशी देते हैं, यदि आप उसको पीठ ठोकते हैं तो वो गौरव का अनुभव करता है, वह पूरी कक्षा में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है कि आज मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे मेरे शिक्षक ने शाबाशी दी है। तो शारीरिक भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। साथ में शिक्षक को चाहिए कि वह, मैं पहले भी जिसकी चर्चा कर चुका हूँ, कि वह घूमे, विद्यार्थियों की कॉपियों में झांक के देखे कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, उसके पुस्तकों में देखे कि वो कुछ कॉमिक्स या ऐसी चीज़ें, तो कक्षा के दौरान पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कक्षा के दौरान तो वो नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए। साथ साथ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार कक्षा छोड़ने के बाद उसी समय पुनः कक्षा में जाने से बचें। इसका मतलब जब आपने कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में अपना काम ख़त्म कर लिया तो आप अपना रजिस्टर, चौक, डस्टर इत्यादि ठीक तरीके से समेट के बाहर आएँ, जिससे कि अगला जो अध्यापक आए उसका जो संक्रांति समय है वो उसका नुकसान न हो और वह अपने टीचिंग को ठीक तरीके से कर सके। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वह है संप्रेषण के माध्यम से सहयोग करना। एक शिक्षक को चाहिए कि केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी बालक या व्यक्तित्व के व्यवहार के बारे में कभी निर्णय नहीं करे और एक शिक्षक को ठीक तरीके से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि क्या जो हमने सुना है यह बालक ठीक नहीं है, यह बालक बहुत अच्छा है, तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन के क्राइटेरिया पर वह उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगली जो बात है, सामान्यतया देखने में आता है कि अध्यापक विद्यार्थियों पर कटाक्ष करते पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल अनवांटेड एक्टिविटी है, इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए और यह करना चाहिए कि कभी आप अपने विद्यार्थियों पर कटाक्ष करने की गलती ना करें और किसी भी बच्चे पर अच्छा या बुरा होने का लेबल ना लगाएं कि यह बच्चा अच्छा है, यह बच्चा बुरा है। बस सारे बच्चे एक समान होते हैं, बस आपको उसको हैंडल करने का तरीका जो है वो ठीक तरीके से अपनाना होगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि विद्यार्थियों को प्रशंसा करने पर अंकुश न लगाएं लेकिन उनके कार्य और व्यवहार की प्रशंसा करें। वो जो काम करते हैं यदि बेहतर कोई काम कर रहे हैं तो आपका यह दायित्व है कि उसको रीइन्फोर्समेंट दें जिससे कि वो उत्साहित हो। साथ ही साथ केवल तभी बोलें जब बालक आपको सुनने को तैयार हो जाए। आप यदि क्लासरूम में बालक आपको सुनने को तैयार नहीं है तब आप अपनी बात ना शुरू करें, आप पॉज ले लें जिससे कि बालक शांत हो जाए। जैसे ही आप कक्षा कक्ष में जाते हैं बालक आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप केवल 15 से 20 सेकंड चुपचाप खड़े हो जाते हैं, सामान्यतया अध्यापक डस्टर पीटने लगते हैं या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप केवल कक्षा कक्ष में जाके 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए शांत होकर विद्यार्थियों को देखने लगें, अपने आप विद्यार्थी सेटल डाउन हो जाते हैं और आपको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो सुनने के लिए तैयार हो जाए तभी आप दिशा निर्देशों के बाद ही पाठ संबंधी चर्चा शुरू करें।
जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक बात उसमें निकल के आई कि वो ऑब्जर्व करे, स्वयं शिक्षक ऑब्जर्व करे कि जी बहुत बच्चे शिकायत लेके आते हैं कि गुरुजी इन्होंने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन शिक्षक को सजग रहना होगा। ये सजग बहुत रहना होगा। महत्वपूर्ण मसला है कि किसी को जानकर परख करके ही अच्छा या बुरा तभी टैग ना लगाएं और हाँ उसके व्यवहार में सुधार की कोशिश करें। कोशिश करें। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कक्षागत जो आचरण है उसके क्या-क्या नियम हैं। जी, कक्षागत आचरण के नियमों को बहुत हम लोग सामान्य तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और यह हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके निर्देश पाठ प्रारंभ होने के पूर्व ही दे देने हैं। यदि उनसे कोई एक्टिविटी करानी है तो वो आप अपनी कक्षा को शुरुआत में ही यह बता दें कि आज मैं ये एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ, और उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या निर्देश हैं यह सब भी शुरुआत में ही प्रदान करें। साथ ही साथ कक्षागत आचरण के लिए बहुत अधिक नियमों से बेहतर होता है कि कम एवं बिल्कुल सटीक नियम बनाएं, साथ ही साथ छोटे छोटे नियमों के सेट बनाएं ताकि विद्यार्थी जो है वो उसका ठीक तरीके से पालन कर सकें, और बच्चे देख कर व्यवहार सीखते हैं। वो बच्चे जो देखते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते और समझते हैं इसकी तुलना में कि जो हम सुनते हैं। तो बच्चे देख कर व्यवहार सीखते हैं, अतः पहले शिक्षक को अपने लिए भी नियम का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक शिक्षक खुद अनुशासन में नहीं रहेगा, खुद नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक वह बच्चों को ठीक तरीके से अभिप्रेरित कर पाने में, उन्हें मोटिवेट कर पाने में, उन्हें अनुशासित कर पाने में सफल नहीं होगा। साथ ही साथ सीखने के लिए सुरक्षा और आराम का माहौल तैयार करें, ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे अन्य कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों को परेशानी हो। क्या होता है सामान्यतया कि कक्षा में हम लोग किसी चीज़ को खूब जोर जोर से विद्यार्थियों से कहते हैं कि तुम रिपीट करो। यह काम तब नहीं करना चाहिए जब ठीक उसके बगल में कोई कक्षा हो, क्योंकि ऐसा करने से बगल की कक्षा प्रभावित होती है और उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैम्पर होती है। तो यह कक्षागत आचरण है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के स्कूल कर्मियों और आगंतुकों के बीच स्वीकार्य मानकों को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब हम यह थोड़ा सा देखने और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि एक कक्षा में बालक जो है वो यदि कोई बदमाशी करता है, यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, तो कौन से कदम अध्यापक को उठाना चाहिए, यह जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो यह हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए कि कक्षा में शांति बनाए रखना चाहिए, और जो चंचल बालक हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ अपने विचारों को व्यवस्थित रखना चाहिए, आपको विचलित नहीं होना चाहिए, और या तो तुरंत निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए अथवा समस्या ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आए तो उसे नज़रअंदाज करिए। जब समस्या कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, तो ही उसको आप टैकल करने की कोशिश करें। साथ ही लगातार छात्रों के व्यवहारों और व्यवहारों के पैटर्न में अंतर को भांप कर निर्देश प्रदान करते रहें, और विद्यार्थियों के व्यवहारों को समय एवं स्थान के आधार पर अवलोकन करते रहें, जिससे कि छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए आप सम्मानजनक तरीके ढूंढ पाएंगे। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कक्षा कक्ष प्रबंध कर पाएंगे। सामान्यतया कई अध्यापक क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की जासूसी करने लगते हैं, और कई विद्यार्थियों को अपनी उसी कक्षा में यह डिप्यूट कर देते हैं कि कोई विद्यार्थी बदमाशी करे तो आके वो बताए। इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पेट फेनोमेना कहते हैं, कि कुछ अध्यापक जो है कुछ विद्यार्थी सेट कर लेते हैं कि वो जो क्लासरूम में हो रही खुराफात है वो आके बताए। ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिसको आपने यह जिम्मेदारी दी है वो भी हो सकता है कि कोई किसी घटना को अपने तरीके से प्रस्तुत करे आपके सामने। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि कभी भी अवांछित क्रियाओं को रोकने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग ना करें। उसको किसी एक्टिविटी को रोकने के लिए आप केवल उसे अभिप्रेरित करने की कोशिश करें।
एक बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश करें, उसको बेहतर काउंसलिंग देने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी तरह से आपने कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, एक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, और वो उन तकनीकी पक्ष की भी बारीकी से चर्चा की कि इन किन प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाए, क्या तरीके अपनाए जाएं, और महत्वपूर्ण मुद्दा समय प्रबंधन, और जो सबसे ज़रूरी है कि शिक्षण अधिगम शुरू होने से पहले या शिक्षण से पूर्व एक पूर्व तैयारी, ये समझ लेना, सोच लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। डॉक्टर पतंजलि मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।